गोटे जंगल मध्यरे विराट बरगछटिए थिला। सही बरगछ मध्यरे एक काऊ दंपति बास करूथिले। से गछ पाखरे नागसापटिए रहूथिला। किछि दिन परे काऊटी ता बसारे अंडा देला। दुष्ट सापटी जानी परे काऊ बसारे पसी अंडा सबु नष्ट करि देला। जेते बेले काऊटी अंडा दिए साप से सबु नष्ट करि दिए। एही परे किछि दिन गला परे काऊ दंपति सापरो एभली कार्यकलाप देखी कौन करिबे किछि ठीक करि पारिले नाही। माँ काऊटी कहिला, हेइटी सुनुछ कौन करिबा कहिलो? ए दुष्ट सापटी सब बेले मो पिला मानंगु मारी दउछि, मते जम्मा भल लागुनी। तमे किछि गोटे कर। काऊटी कहिला, हाँ तमे ठीक कहुछ, हेले एते बड़ विषधर सापर मु कौन करि पारिबि? माँ काऊटी कहिला, अच्छा शुण, चलुन आमे दुहे मिसी बिलुआ भाई पाखकु जिबा, से निश्चिंत किछि ना किछि उपाय आमको बतेइ देबे। तापरे काऊ दंपति उड़ी उड़ी बिलुआ पाखकु गले। किछि बाट दूर रे बिलुआटी गछ मूळरे बसिथिला। सेमाने बिलुआ को जाए सब कथा कहिले। काऊटी कहिला, बिलुआ भाई आमे बहुत दुखरे अछु, तमे चाहिले आम दुख दूर करि पारिबो। बिलुआ कहिला, अच्छा कौन हेछि तमर? काऊटी कहिला, बिलुआ भाई आम गछ पाखरे गोटे बड़ विषधर सापटी रहुछि, से सबुबेले आम छुआ मानको मारि पकाउछि, आमे कौन करिबु किछि बुझि पारु नाहु, तमे किछि हेले उपाय आमको बतेइ दियो, नहेले से विषधर साप एमति आम पिला मानको मारि दब। काऊ दंपति ठारु बिलुआटी सबु कथा सुनिला। कहिला, भाई धैर्य हराओ नाही, जेते बड़ विपद आसु पछके धैर्यर सहित ताको सामना करिबाकु पड़िबो। बुद्धि बलरे आमे से विषधर साप को निश्चय मारि पारिबा। बिलुआर कथा शुणि काऊ दंपति मने मने आश्वस्त हेले। आउ पचारिले, बिलुआ भाई उपायटी कौन जे आमको कह? बिलुआ कहिला, प्रथमे तुमको गोटे नगर को जिबा को हेबो। सेठारे जणे राणी प्रतिदिन नदी को गाधोइबा को आसंदी। राणी नदी रे गाधोइबा समय रे से पिंधिथिबा सबो अलंकार गुड़िक नई तुठरे रखि दियंती। तमे जाई से अलंकार रु किछि नै धीरे धीरे उड़ी जाई सापगातरे पकाई देबो। राणी को अंगरखी माने निश्चय तम पछरे गुड़ी गुड़ी जिपे। सापगातरे अलंकार देखिले से माने सापगात को नष्ट करि देबे। आउ गात भितरे साप बाहरिले माने निश्चय साप को बाड़े बाड़े मारि देबे। बिलुआर कथा शुणि काऊ दुई जण लक्ष्य पूरण उद्देश्य रे बाहरी गले। उड़ी उड़ी जाउथिबा समय रे जणे राणी तांको साथी मानंक सहित गाधोइबा पई नई को जाउथिले। गाधोइबा समय रे तांको अलंकार सबु नई तोठरे रखिथांती। माँ काऊटी सुजोग देखी
ରତ୍ନମାଳଟିକୁ ଧରି ନେଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାରାଣୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ ଏହା ଦେଖି କାଉ ପଛେ ପଛେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ କାଉଟି ସାପ ରହୁଥିବା ଗାତ ଉପରେ ରତ୍ନମାଳଟିକୁ ପକାଇ ଦେଲା। ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ ରତ୍ନମାଳକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାତକୁ ଖୋଳା ଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗାତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଷଧର ସାପଟିଏ ଶୋଇ ରହିଛି। ସେମାନେ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ସାପକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଆଉ ରତ୍ନମାଳକୁ ନେଇ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାପର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାଉ ଦମ୍ପତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଗଛରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ହସି ଖେଳି ଦିନ କାଟିଲେ। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଶରୀରର ବଳ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ହିଁ ଅଧିକ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।